देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, जिनके रिलायंस जियो के चर्चे तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि इनकी सुरक्षा के लिए कितने कड़े इंतजाम किए जाते हैं? जो सुरक्षा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी जाती है, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहते हैं मुकेश अंबानी और उनका परिवार। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी का नाम आतंकवादियों के हिट लिस्ट में शामिल है। उनकी पत्नी नीता अंबानी को जुलाई 2013 में आतंकवादियों की ओर से धमकी मिल चुकी है। इसके बाद इनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सरकार की ओर से इन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं उनकी पत्नी नीता अंबानी को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इसके अलावा मुकेश अंबानी अपनी निजी सुरक्षा पर भी 20 लाख रुपए प्रति महीना खर्च करते हैं। उनकी सुरक्षा में हमेशा सीआरपीएफ के 40 जवान और निजी सुरक्षा गार्ड हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं उनकी पत्नी नीता अंबानी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 10 कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं मुकेश अंबानी की कार के साथ 4 से 5 गाड़ियां उनके काफिले में चलती है, जिसमें बीएमडब्ल्यू की एसयूवी शामिल है। मुकेश अंबानी जिस मर्सिडीज X600 कार में चलते हैं, उसमें कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इसीलिए 1.5 करोड़ कीमत वाली ये कार सुरक्षा इंतजामों के बाद 11 करोड़ के आसपास पड़ी थी। इस आधुनिकतम कार में 9 कैटेगरीज की सुरक्षा दी गई है। मुकेश अंबानी जिस कार में चलते हैं, वो कार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है। साल 2014 में इससे पहले मर्सिडीज X600 कार भारत में सिर्फ अभिनेता आमिर खान के पास मौजूद थी। वायरल कीड़ा न्यूज़।